वैसे तो हंटर की काफी सारी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ जब भी कोई नई अपडेट होती है और जब भी कुछ इस तरीके का काम होता है मैं सोचता हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वैसे तो 99% वीडियो कवर कर चुका हूँ, चाहे उसका जो हैजार्ड सेटअप हो गया, इसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग, क्रैश गार्ड, पीपीएफ लेमिनेशन, सम गार्ड, उसके अलावा बैक रैश, टॉप रैश, सडल स्टे, ऑल ओवर 99% वीडियो मैं कवर कर चुका हूँ। फिर भी अगर कुछ नया मुझे लगता है आप लोगों से शेयर करना चाहिए तो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक हंटर अपने सामने है जो कि आइए भैया कहाँ से आए थे आप? भैया आगरा से। आगरा से आए और स्पेशली शायद वीडियो देख कर आए हो? भैया स्पेशली वीडियो देख के आया। मैंने 4 नवंबर को गाड़ी ली थी। अच्छा। और सिर्फ इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं करवाया, मैंने भैया की वीडियो देखी थी तो मेरे को भैया के पास ही आना था। सारा इसके अंदर जो भी मैं सामान लगवा रहा हूँ अब इंस्टॉल करवा रहा हूँ। 1 महीने बड़े मैंने बहुत सेफली चलाई कि इसलिए कि बस मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं भैया के पास पहुँचूंगा। क्या क्या चीज़ें करवा रहे हो थोड़ा सा भैया? ओवरऑल मतलब जो बेसिक चीज़ है वो तो सारी ही लग रही है। मस्ट हैव मॉडिफिकेशन लाइक सेफ्टी से पर्पस के हिसाब से हो गई तो सब चीज़ें इसमें ऐड करने वाले हैं। सम गार्ड यहाँ देख सकते हो आप, क्रैश गार्ड दिखाना एक बार। तो ये क्रैश गार्ड बहुत ही जबरदस्त निकला है इस बार, डिजाइनिंग और काफ़ी बल्कि लुक आता है। स्वेट है ये दोनों साइड का, तो ये हो गया। स्लाइडर दिखा दो उसके एक बार, कोई बात नहीं इतना लगा के दिखा दूंगा फाइनल पे। तो ये स्लाइडर लगेगा, इसके अलावा बैक रेस्ट दिखा दो, मोबाइल होल्डर दिखा दो, और यहाँ पर है ये अपना वाइजर। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ, मैं कंप्लीट पे दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आता। अभी इसकी क्लैम वगैरह भी होंगी तो कंप्लीट पे जो लुक आता है ना वो समझ में आता क्या है। ये देख सकते हो मोबाइल होल्डर वगैरह हो गया। तो यहाँ पर तो हंटर काम हो रहा है और एक आध हंटर यहाँ पर भी आप देख सकते हो आके, एक हंटर यहाँ पर है। और ये आपके सर, आप कहाँ से आए थे? जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान, आप समझ लो कहाँ से प्यार आ रहा है। तो जयपुर राजस्थान से, इसमें भी आपने आई थिंक मस्ट हैव एक्सरसाइज करा रखी है जो जरूरी है। जैसे कि इसमें देख सकते हो वो क्रैश गार्ड, सेम क्रैश गार्ड है यहाँ पर लगा रहे हैं क्रैश गार्ड। ये देखो ये अलग क्रैश गार्ड डिजाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये पन्नी हटेगी ना ये आपके इंजन से मैच हो जाएगा, और इसको लगाने के बाद आपके टैंक, आपका इंजन और आपके लेग्स प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट हो जाते हैं और लुक भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि आया था। जो वाइजर की बात कर रहा था, एक बार दिखाना वाइजर यहाँ से आके। देखो ये वाइजर है यहाँ पर, ये वाला वाइजर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर थार लाइट लगा रखी है, माइनस प्लस रिंग में है। मास्टर सिलेंडर कैप देख सकते हो यहाँ पर आप, जिसमें आपको आर का प्लस हंटर का लोगो देखने को मिलेगा। और ये जेन्युइन हंटर की है। काफ़ी सारे लोग किसी का बाइक का सामान कुछ में भी लगा देते हैं, बट इसमें क्या है, ये जेन्युइन है। इसके अलावा यहाँ पर सम गार्ड वगैरह देख सकते हो आप, और एक हंटर यहाँ पर है। इस तरह आ जाओ, एक हंटर यहाँ पर है। इसमें लेमिनेशन काम डन हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैट में लेमिनेशन किए, ये वाले पार्ट ग्लॉस में लिए हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आरी वाले मिरर लगे हुए हैं जो कि डाउन करके लगाए हुए हैं, आप चाहो तो अप करके लगा सकते हो। मोबाइल होल्डर हो गया। तो अभी जैसे भी कंप्लीट होगी ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीट करके कि फाइनल पे कैसा लुक आता है। दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको, 3 हंटर दिखाऊंगा, इससे पहले भी दिखा चुका हूँ मैं आपको। तो कंप्लीट हो चुकी है, पहले वाली कंप्लीट है। इसके अलावा इसमें भी थोड़ा सा काम रह गया और एक इसमें थोड़ा सा काम रह गया। तो पहले मैं रेड वाली कवर कर लेता हूँ। जैसे कि क्रैश गार्ड आपने देखा तो इंस्टॉलेशन के बाद देखो ये वाला लुक आ रहा है इसका। अगर मैं आपको दूर से भी दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से इसका लुक आ गया। एक टायर हैगर भी इसमें लगा दिया है विद रिफ्लेक्टर्स, जो मिट्टी वगैरह जगह पे होल्ड हो जाती है वो प्रॉब्लम आपकी खत्म है, बाइक आपकी साफ रहेगी। पीपीएफ लेमिनेशन कर दी है, चमक शाइन देख सकते हो आप। इसके अलावा जो है सीट कवर जेन्युइन लगा दिया विद कुशनिंग, ऐसा लगेगा नहीं कि आपने आफ्टर मार्केट वर्क करा रखा। जो आपका जेन्युइन कवर था वो हटाया नहीं है, उसके अंदर ही है और यहाँ पर कवर ऐड हो चुका है। मोबाइल होल्डर यहाँ पर लग गया है। और जो क्रैश गार्ड में लास्ट में एक स्लाइडर लग जाता है कुछ इस तरीके का, जो कि इनकेस कई बाइक गिरती है तो सेफ्टी रहती है। तो ये लगेगा। एक सम गार्ड आप देख सकते हो यहाँ पर। फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर एक वाइजर जो कि जेन्युइन क्लैंप, जेन्युइन फिटिंग के साथ, ऐसा लगेगा नहीं कि आपने बाहर से करा रखा है। और यहाँ माइनस प्लस है, रिंग वाइज लाइट देख सकते हो आप, जो कि चाबी ऑन पे एकदम वाइट है ये। और अगर आपको इसको करना है येलो तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा पहले बाइक को, और हाई बीम पे या लो बीम पे आप वाइट या येलो रख सकते हो, ये रख सकते हो। तो ये हो गया और लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है। मास्टर सिलेंडर कैप हंटर की ब्रांडिंग के साथ, आर का लोगो। आपने एक हंटर देखी, अभी 2 हंटर मैं आपको और दिखाऊंगा। और काफ़ी सारी हंटर इसमें ऐसी थी जो आके जा चुकी, छोटा छोटा काम था, जो कुछ स्पेशल होता है मैं आपके साथ करता हूँ शेयर। तो इसमें कुछ चीज़ें नई ऐड हो गई इन 2 हंटर में, जैसे कि एक चीज़ तो कुछ इस तरीके की, यानी कि ये टॉप रैक है साथ में बैक रेस्ट है, तो ये चीज़ इसमें ऐड कर दी है। सेम नहीं है, मतलब ये इंटरसेप्टर की फिटिंग है और वो जो होगी वो होगी हंटर की फिटिंग। इसके अलावा हैंड गार्ड वगैरह है, कुछ चीज़ें नई थी मैं सोचा आप लोग करता हूँ शेयर। तो ये दोनों जो है बाइक्स को अब आप देखो एक एक करके कि ये कैसी बनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हंटर फाइनल हो चुकी है, इसको भी करते हैं, आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक हंटर जो और आपको दिखाई थी मैंने वो जा चुकी है, किसी कारण से मैं दूसरी दुकान पर गया था तो यहाँ से बाइक जा चुकी है, तो उसके लिए सॉरी है। बाकी जो ये वाली है इसको मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें। जैसे यहाँ पर वाइजर सेम है, ये देख सकते हो आप, फिटिंग वगैरह भी इसकी सेम है। और बाकी ग्रिल सेट वगैरह इसमें नहीं लगाया गया है। एक मोबाइल होल्डर लगाया गया है। पीपीएफ लेमिनेशन 3 लेयर वाली, 3 लेयर जब लेमिनेशन कर रहे होते हैं तो जिस स्टेपर से करते हैं प्रेस में हल्के से यहाँ पर स्क्रैच आ जाते हैं, तो स्क्रैच जब आ जाते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ये फाइनल लेयर इसीलिए होती है। तो फाइनल लेयर जब उतारेंगे ना भाई, ये देखो चमक शाइन क्लोज अल्टीमेट, शोरूम से ज़्यादा चमक इसमें आ गई। देखो ऐसा
अब इसमें आपको देख सकते हो, मुझे भी पूरा दिख रहा हूँ मैं क्लियर इसमें, तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें जो है साइड पैनल्स भी, इसमें पे भी जो है लेमिनेशन की गई है। बाकी आप चाहो तो ये ग्लॉस में है, आप चाहो मैट में ले सकते हो। बाकी ग्लॉस में काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्रैश गार्ड का डिज़ाइन देख सकते हो सेम है, बाकी बहुत सारे डिज़ाइन के और भी मिल जाएंगे। टायर हैगर भी यहाँ पर लगा रखा है विद रिफ्लेक्टर्स, ये रिफ्लेक्टर्स लगा रखे हैं आप देख सकते हो इसमें, जिससे कि पीछे से लाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। ये देख सकते हो आप, जो मिट्टी वगैरह इस जगह पर होल्ड हो जाती है एक टाइम के बाद, इतनी मिट्टी होल्ड हो जाती है यहाँ पर, इतनी गंदी लगती है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पुरानी बाइक है। तो आप टायर अगर लगवा दो, मिट्टी वगैरह यहीं पर होल्ड हो जाती है। फुल बाइक को किया गया पीपीएफ लेमिनेशन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जैसे मडगार्ड हो गया, आपके टैंक हो गया, साइड पैनल्स हो गया, पीछे का मडगार्ड हो गया। इसके अलावा सीट कवर लगाया गया, जो जेन्युइन सीट कवर है उसके हटाया नहीं है, उसके ऊपर से एक और जेन्युइन कवर विद कुशनिंग, उसमें कुशनिंग नहीं होती है, इसमें कुशनिंग कवर है। तो ये हो गया, आर का लोगो मिल जाएगा। टॉप रैक देख सकते हो आप, और टॉप रैक की फिटिंग भी बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि हंटर का ही है। और यहाँ पर बैक रेस्ट भी इंस्टॉल कर रखा है, जो कि पिनियन राइडर है, जब बैठेंगे तो उनके सपोर्ट रहेगा। बाकी आप चाहो इसको हटा भी सकते हो, यहाँ से हट जाता है ये, और ये पूरा भी हट जाएगा, खुद भी हटा सकते हो आप। सीट हटा के ये यहाँ पर दो बोल्ट होंगे, दो वहाँ पर बोल्ट होंगे, उसको हटा देना, हट जाएगा। एक यहाँ मोबाइल होल्डर भी इंस्टॉल किया है, और मीटर पर भी जो है वो लेमिनेशन की गई, आप चाहो टेम्पर्ड भी लगवा सकते हो। बाकी सब कुछ कवर कर दिया है, बाकी इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियो आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर, तो जाकर जरूर एक बार चेकआउट कर लेना।